सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ होना चाहिए, ऐसी संभावनाएं हैं, किंतु वर्तमान में कोविड की जो परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें भी शासन स्तर से निर्णय होना अभी अपेक्षित है। जैसा निर्णय शासन स्तर से होगा उसके अनुरूप हम सब मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि हमारा विभाग काफी बड़ा है और प्रदेश के कई मतलब दूरस्थ स्थलों तक हमारे लोग हैं, वहां तक संदेश पहुंचाने में भी समय लगता है। ऐसी स्थिति में एक विचार ये आया कि क्यों ना हम, यदि स्कूल खुलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पे आपसी एक विचार मंथन हो जाए। और इस विचार मंथन के लिए आज हमारे साथ प्रदेश के जो शिक्षाविद हैं, जो संस्थाएं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं, इसमें यूनिसेफ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, राज्य शिक्षा केंद्र, ये वो संस्थाएं हैं जिनके साथ हमारा चिंतन पूर्व से चल रहा था कि हम किस तरीके से शिक्षकों से संवाद करें। अच्छा अवसर है, संवाद की आवश्यकता इसलिए है कि आप भी इससे सहमत होंगे कि पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया है, 1 साल 1 दिन हो गया शायद, 22 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हुआ था, हम अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं बुला पाए हैं, फेस टू फेस मोड में या आमने सामने बैठ के बच्चे और शिक्षकों के बीच संवाद नहीं हो पाया है, एक बहुत बड़ा गैप है। जब बच्चे विद्यालय में होते हैं तब हम बहुत प्रयास करते हैं, हमारे शिक्षक साथी प्रयास करते हैं, नए नए तरीके से उनको सिखाने का, सीखने के अनुभव देने का प्रयास करते हैं, उनके लिए गतिविधियां डिजाइन करते हैं, उनके लिए TLM बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनसे इंटरेक्शन हो, संवाद हो, क्योंकि बच्चे वास्तव में, उनको शिक्षा से जोड़ना, एक रोचक तरीके से जोड़ना, खेल खेल में जोड़ना, गतिविधियों से जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो चंचल होते हैं, अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको किसी शैक्षिक गतिविधि में जोड़ना एक दुष्कर कार्य तो होता ही है, क्योंकि बच्चों को लाना, उनके लेवल पे ले जाना, और इसमें आप काम कर रहे थे। वर्तमान परिस्थिति में यदि हम देखते हैं तो 1 वर्ष का अंतराल हो गया है जिसमें कि हम बच्चों से सीधे सीधे प्रतिदिन जिस तरीके से पहले विद्यालय में मिलते थे, हम उनसे बात करते थे, कल आपने क्या सीखा है, कल आपने क्या किया है, घर पे आप ये करके लाए थे, इसमें आपने ये अच्छा किया है, ये इसको सुधारना है, हम प्रतिदिन एक ज्यादा अवधि तक मिलकर बच्चों से संवाद स्थापित करते थे, उनके गार्जियन से मिलते थे, परंतु कोविड के दौरान इसमें कमी आ गई। ये तो पूर्णतः फेस टू फेस मिलना तो संभव ही नहीं हुआ, हमारे कुछ शिक्षक साथी जरूर बच्चों तक पहुंचे हैं, उनके मोहल्ले में पहुंच करके संवाद किया है, पालकों से संवाद किया है, रेडियो के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसमें कि मोबाइल के माध्यम से संवाद स्थापित किया है। परंतु साथियों, हमारे पास जो विद्यार्थी हैं उनके पास इन संसाधनों की उपलब्धता और उसकी, जिसको हम कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी की बात है, कि वो उपयोगी है, उस समय काम कर रहा है या नहीं, वहाँ नेटवर्क है या नहीं, इस कई सारी समस्याएं हमारे बीच थीं। आप लोगों ने पिछले साल कोविड के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि प्रत्येक बच्चे तक पुस्तकें पहुंचाई, वर्कबुक पहुंचाई, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। मेरा यहाँ पे एक थोड़ा सा अनुरोध है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप आपने बनाए उनको एक बार चेक कर लें, हो सकता है कुछ बच्चों के मोबाइल नंबर चेंज हो गए हो, उनके माता पिता के, कोई किसी ने नया खरीद लिया हो, तो उसको अपडेट कर लें। अपनी कक्षा का व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर तैयार कर लें, जैसे पूर्व में भी निर्देश हमने दिए थे, क्योंकि संवाद का एक माध्यम तो हमारे बीच बना रहना चाहिए ना, चाहे वो स्मार्टफोन हो चाहे की फोन हो, उससे हम बात कर सकें कि बच्चा क्या कर रहा है, कल उसने क्या किया है, आगे उसको क्या करना है। और इसी के लिए इस अवधि में आवश्यक ये था
कि जब स्कूल हम खोलने की बात सोच रहे हैं, आज नहीं तो कल तो हमें खोलना ही होगा। हो सकता है इसमें समय लग जाए, हो सकता है कि जल्दी निर्णय हो जाए, तो क्यों ना हम इस पे एक बार विचार कर लें कि हमें क्या करना होगा, उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। क्योंकि साथियों, आने वाला समय, वैक्सीन आ गया है, इसके बाद भी हमें कोविड के साथ ही जीना होगा। कोविड कहाँ कहाँ मौजूद रहेगा, किस रूप में मौजूद रहेगा, हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए सावधानी और सुरक्षा के उपाय लागू करते हुए हमें अपने दैनंदिनी के कार्य करने होंगे। जिस तरीके से आजकल हम अपने घर में करते हैं, उसी तरीके से हमें हो सकता है आने वाले समय में विद्यालय में भी करना होगा। तो हमें समग्र रूप से, चूंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, वो उनके माँ बाप हो सकता है उतने अवेयर हो ना हो, चूंकि वो भी अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उतना समय वो बच्चों के साथ नहीं दे पाते होंगे। हो सकता है कई बच्चे प्रथम पीढ़ी के सीखने वाले हों, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हों, तो वहां हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए हम आज के जो संवाद है उसमें मुख्य मुद्दा हमारा ये होगा कि यदि विद्यालय खुलते हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी जानी चाहिए। हमें बच्चों को विद्यालय आने पर किस तरीके से उनको सिखाना होगा कि बेटे विद्यालय में हम रहें तो किस तरीके से रहें, आएंगे तब हमें क्या करना है, विद्यालय में बैठना है तो दोस्तों के साथ कैसे दूरी मेंटेन करके बैठना है, मास्क लगाना है, हाथों की धुलाई करना है, और खाने पीने की वस्तुओं में भी ध्यान रखना है कि हमें किसी का लेकर के, दोस्ती आपकी बहुत अच्छी है पर वहां ना निभाएं, हो सके जहां तक संभव हो सके अपने घर से लाया हुआ पानी उपयोग करें या विद्यालय में उपलब्ध पानी का उपयोग करें, और खाने की वस्तुओं में भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जब विद्यालय में आए तब हाथ धो लें, विद्यालय से जब आप मध्यान्ह भोजन करने की या अपना नाश्ता करने का काम है उस समय उसके पहले हाथ धो लें, घर जाए तब हाथ धो लें, जो मास्क लगाया है उसको धुल के सुखाएं। और इन सभी के लिए हो सकता है कि हमें पालकों के साथ भी बात करना पड़े। पालकों में विशेषकर माताएं जो बच्चों के साथ पूरे समय जुड़ी रहती हैं, बच्चों का बहुत ध्यान रखती हैं, उनको भी हमें बताना पड़ेगा कि इस नई परिस्थिति में विद्यालय में बच्चा आएगा तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। उसी तरीके से अपनी पुस्तकों का ख्याल रखना है। पुस्तक में क्या काम कल करने के लिए कहा था शिक्षक ने, वो हमने किया या नहीं किया, अभ्यास कैसे करें। हो सकता है मोहल्ले के बच्चों का एक समूह कब बन गया हो, उसमें उनका बड़ा भाई बहन या कोई कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी या हायर सेकेंडरी में जाने वाला विद्यार्थी, उसमें एक मेंटर के रूप में भी आपने जोड़ दिया हो, नहीं जोड़ा हो तो जोड़ सकते हैं। कहने का आशय ये कि जब बच्चे आएंगे तो एक साल की कंटिन्यूटी उनके पास नहीं होगी, उनके मन में डर होगा, उनके मन में भय होगा, कोविड के कारण क्या हो सकता है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये शत्रु ऐसा दिखता नहीं है, किस रूप में कहाँ बैठा है, किसके पास बैठा है, हम भी नहीं पहचान सकते, तो बच्चे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे बढ़िया सुरक्षा की जरूरत कि हम सावधानी बरतें। सावधानी के लिए चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, हमारे जो यूनिसेफ है उन्होंने इस पर बहुत काम किया है, विस्तृत रूप से किया है, हमारी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया है, उसके ऊपर कुछ वीडियोज बनाए हैं जो आने वाले प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे समझेंगे। और यहाँ साथियों हमें अपने विद्यालय की योजना बनानी होगी। आप उसके लिए स्वतंत्र रहेंगे, हम आपको जो सुझावात्मक उपाय हैं वो बता रहे हैं, योजना तो आप ही बनाएंगे। और योजना आप अकेले नहीं बनाएंगे, आपके साथी भी होंगे, एसएनसी मेंबर्स होंगे, पालक हो सकते हैं, बाल कैबिनेट हो सकती है, आपके बच्चे जो विद्यालय के अच्छे बच्चे हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों को हमें यदि भयमुक्त करना है तो इस प्रक्रिया में जोड़ना होगा। यदि हाथ धुलाई होती है तो हाथ धुलाई में बच्चे भाग ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बच्चे उसमें मदद करें कि जो भी बच्चा जा रहा है, चार बच्चे उसको खड़े होकर देखें कि जो भी विद्यालय में आ रहा है वो हाथ धुल रहा है या नहीं साबुन से। साबुन से हाथ कैसे धुलें, हाथ धुलने की प्रैक्टिस तो आपने बहुत अच्छी कर रखी है, हैंड वॉश की प्रैक्टिस आपको अच्छी है, किस तरीके से रगड़ के हाथ धुलना है साबुन से, 20 सेकंड तक साबुन हाथ में लगा रहना चाहिए। उसके लिए हो सकता है छोटा सा एक गाना बना लें, गिनती का गाना बना लें, गिनती भी सीख लें, हाथ भी धुल लें, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं।
कि कक्षा में किस तरीके की व्यवस्था करेंगे, बच्चों के मन से भय हटाने के लिए हम क्या करेंगे। बहुत अच्छा तरीका ये होता है, जब हमें कहीं डर लगता हो तो हम उस डर के बारे में ही बात करें, क्योंकि उससे डर से भागना नहीं है, उसका मुकाबला करना है।